हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं, जो खुद भी बिहार से आते हैं। लेकिन उससे पहले तारिक साहब, चर्चा जोरों पे थी कि कैप्टन साहब अमित शाह से मिलने आ रहे हैं, पर करीबी सूत्र बता रहे हैं कि वो कुछ निजी काम से आ रहे हैं और ना कि उनकी कोई गृह मंत्री से मुलाकात या अपॉइंटमेंट भी उनने मांगा है। मेरा ख्याल है कि कैप्टन साहब बहुत सीजन्ड व्यक्ति हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। उस हैसियत से वो वहाँ की समस्या को लेकर या कुछ है जो अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर, हो सकता है वो किसी भी केंद्र सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति से मिल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। इसको मैं समझता हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक मतलब होगा या उद्देश्य होगा, मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि ज्वाइनिंग और छोड़ने का दौर लगातार चल रहा है। कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, फलेरो साहब टीएमसी चले गए, तो इस तरह का जो पॉलिटिक्स चल रहा है उस संदर्भ में अगर देखें तो कैप्टन साहब भी नाराज चल रहे हैं। नहीं देखिए, कांग्रेस ने कैप्टन साहब को बहुत मौके दिए और वो कांग्रेस परिवार से हैं, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि चूँकि उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा इसलिए वो नाराज़ होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और चूँकि हम उनको बहुत दिनों से जानते हैं और मुझे विश्वास है कि वो कांग्रेस से को मजबूत करने के ही लिए काम करेंगे, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस का नुकसान हो। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो चल रही है कि कन्हैया कुमार आ रहे हैं, बिहार को एक नया चेहरा मिलेगा, युवा चेहरा मिलेगा, क्या आपको लगता है फर्क पड़ेगा बिहार की राजनीति में, क्योंकि भाजपा कह रही है अब टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कन्हैया जी और जिग्नेश दो युवा नेता हैं और दोनों ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। जहाँ तक के कन्हैया जी का सवाल है, वो बिहार से आते हैं ज़रूर, लेकिन उनकी जो छवि है वो पूरे देशव्यापी है। उन्होंने अपनी एक जगह राजकीय राजनीति में बनाई है, ख़ास तौर पर नौजवानों में, छात्रों में वो बहुत ही लोकप्रिय हैं जी। छात्र आंदोलन से निकल कर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे कांग्रेस को बल मिलेगा, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। भाजपा का कहना है कि जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं उनके साथ अब राहुल गांधी खड़े नजर आएंगे। असल टुकड़े टुकड़े तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संघ परिवार कर रही है, पूरे देश के अंदर धर्म की और जाति की राजनीति वो कर रहे हैं जिस प्रकार से, तो बांटने का काम, तो सही मानों में कहा जाए देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम, ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का एक गौरवशाली इतिहास है और कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी से लेकर इस देश को बनाने का काम किया है, और ऐसे जो भी लोग आएंगे वो इसका मतलब है कि वो कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहे हैं।